प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार का एक साल पूरा होने के अवसर पर देश भर में रेल यात्री उपभोक्ता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जयपुर बांद्रा ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को आ रही समस्या पूछकर मौके पर ही उसका निदान किया। वहीं महिला कोच में सवार पुरुष यात्रियों को बोगी से निकालकर अन्य कोचों में भेजा। इस दौरान कुछ यात्रियों ने ट्रेन में पंखे नहीं चलने और शौचालयों में गंदगी होने की शिकायत की, जिस पर आरपीएफ स्टाफ ने संबंधित विभाग के कर्मचारियों को शिकायत दूर करने के लिए बुलाया और यात्रियों को राहत दी। फैन नहीं चल रहे ट्रेन के, मैं जयपुर से अहमदाबाद जा रहा हूँ। एक तो टॉयलेट्स जो है ट्रेन में वो बिल्कुल सड़े हुए हैं और जो फैंस हैं सदर कोच में वो नहीं चल रहे हैं। तो हमने पहले भी बोला था जयपुर में भी, लेकिन उसका कोई रिजोल्यूशन नहीं हुआ। आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर मदन लाल ने बताया कि रेल यात्री उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई और यात्रियों की समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। उपभोक्ता पखवाड़ा के तहत कार्य किया, जिसके अंदर सवारी गाड़ी नंबर जयपुर बांद्रा को अटेंड किया, आगे वाले सामान्य कोचों को देखा, यात्रियों को सुरक्षित दिखाया। एक यात्री शिकायत थी कि जनरल कोच में फंक्शन नहीं कर रहे, बिजली वाले को बुलाकर उसको तुरंत ठीक करवाया, यात्री की संतुष्टि करी और गाड़ी को खरीद पैसे बता के गाड़ी को खरीद। हम रेल यात्री उपभोक्ता पखवाड़ा मना रहे हैं, इसमें विभिन्न गतिविधियां जारी है और मंडल के अलग अलग स्थानों पर मैं खुद दौरा कर रहा हूँ। कई ट्रेन से मैंने रोड शो किया, सैकड़ों पैसेंजर से मैं मिला हूँ, जनरल कोच स्लीपर सभी में इत्यादि में ट्रेवल किया है। कुछ नई सुविधाओं का भी हमने शुभारंभ किया है। वहीं आरपीएफ स्टाफ ने पखवाड़े के दौरान सियालदा एक्सप्रेस में जयपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे यात्री के छूटे पर्स को वापस लौटाया। सब इंस्पेक्टर मदन लाल ने बताया कि सियालदा ट्रेन से जयपुर तक सफर करने वाले कलकत्ता निवासी आलम का पर्स, जिसमें 13,750 रुपए थे, ट्रेन में छूट गया था, जिसे अजमेर आने पर तस्दीक के बाद वापस लौटा दिया गया। क्या है, हमारे को अनाउंसमेंट और हमारे कंट्रोल से सूचना आई कि सवारी गाड़ी नंबर 2987 के B A1 में सीट नंबर 22 और 24 में किसी लेडीज पर्स रह गया, छूट गया, यात्री जयपुर में उतर गया। इस सूचना पर मैं हेड कांस्टेबल सईदुल्ला को साथ में लेकर पहुंचा, तो वहां पे कोच अटेंडेंस के बताया कि पर्स यहाँ पर कोई यात्री छूट गया, उसको लाए थाने पर ला के उससे मोबाइल से संपर्क किया यात्री से, वो बाई रोड या जयपुर अजमेर स्टेशन थाना आया, उसके बताए अनुसार सामान उसको प्रॉपर मिला, जिसमें 13,750 रुपये नगद राशि थी, उसको खैरियत के साथ सुपुर्द कर दिया।